नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं डीबीएमएस पर। दोस्तों अभी बात कर रहे थे ट्रांजैक्शन की और इस वीडियो में बात करेंगे डेडलॉक हैंडलिंग का। जो सबसे फंडामेंटल आइडिया है वो है प्रिवेंशन। तो देखेंगे ऐसे कौन कौन से आइडियाज, कौन कौन से मेथड हो सकते हैं कि हम गारंटी करें कि सिस्टम कभी डेडलॉक में नहीं जाएगा, और उन आइडियाज को दोस्तों अगर हम यूज करते हैं तो उनके क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं डेडलॉक प्रिवेंशन। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वैसे इन द मीनवाइल जो प्रोटोकॉल्स हमने डिस्कस किए थे, जैसे टाइम स्टैम्पिंग था या टू फेस लॉकिंग था, ट्री बेस्ड प्रोटोकॉल था, वहाँ भी मोरलेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेडलॉक की प्रॉब्लम को हमने हैंडल किया था। या ऑपरेटिंग सिस्टम में भी प्रिवेंशन अप्रोच को हम डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पर उसको अप्लाई करने के आइडियाज थोड़े थोड़े डिफरेंट होंगे। तो पॉइंट बाय पॉइंट दोस्तों मैं डिस्कस करते चलूंगा। पहला पॉइंट देखिएगा, टू इंश्योर नो होल्ड एंड वेट, ईच ट्रांजेक्शन लॉक ऑल द डेटा आइटम्स बिफोर इट बिकम्स द एग्जीक्यूशन। दोस्तों सबसे सिंपल अप्रोच यही हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, चार आइडिया हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिवेंशन, सर्कुलर वेट। अगर इन चारों में से दोस्तों एक भी कंडीशन को हम वायलेट कर देते हैं तो डेडलॉक कभी लग ही नहीं पाएगा। बिकॉज डेडलॉक कब लगेगा, जब ये चारों कंडीशन एक साथ अगर करेंगी। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो दोस्तों एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ होल्ड एंड वेट की बात कर सकते। अब देखिए होल्ड एंड वेट अगेन याद करेंगे तो बोलता है जो रिसोर्स आपको मिले उसको होल्ड करो और बाकी के लिए वेट करो। तो अगेन अगर आप सोचे कि दो ट्रांजैक्शन हमारे पास है T1 और T2 और दो रिसोर्सेज या डेटा आइटम हम मान लेते हैं A और B, A चला गया T1 के पास, B चला गया T2 के पास, और अभी T1 वेट कर रहा है B के लिए, T2 वेट कर रहा है A के लिए। बट दोस्तों भी इस तरह के सिनेरियो को हम यहाँ पे अकर ही नहीं होने देंगे। बिकॉज देखिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ट्रांजैक्शन वही काम करना स्टार्ट करेगा जिसको सारे लॉक मिल जाएंगे। तो दोबारा देखिएगा, टू इंश्योर नो होल्ड एंड वेट, ईच ट्रांजेक्शन लॉक ऑल द डेटा आइटम्स बिफोर इट बिगन्स एग्जीक्यूशन। अगर आपको सारे लॉक नहीं मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो लॉक आपके पास हैं वो भी आपको रिलीज करने पड़ेंगे। और इस तरह के आइडिया को ऑलरेडी अगर आपको याद हो, हमने कंजर्वेटिव 2PL में यूज किया था। बिकॉज वहां पे अगर आपको याद है हमने डायरेक्ट दोस्तों लॉक पॉइंट से स्टार्ट किया था। तो आइडिया यही था, या तो सारे लॉक आप एक्वायर करोगे या तो एक भी एक्वायर नहीं करोगे। लेकिन यहां पर मैं अलग से नाम ले रहा हूं होल्ड एंड वेट का, बिकॉज समझने वाली बात यह है कि अगर आप इस तरह के काम को करेंगे, है ना, कि या तो सारे लॉक लें या तो एक भी ना लें, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप होल्ड एंड वेट को वायलेट कर रहे हैं जिस वजह से डेडलॉक नहीं लग रहा। तो एक आइडिया मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। दूसरा अप्रोच देखिएगा, टू इंश्योर नो, पहले मैं इसका आपको एग्जांपल से एक बात समझाता हूं। देखिए पॉइंट क्या है, जैसा हमने समझा था, जब तक वेट दोस्तों एक साइक्लिक फैशन में नहीं होगी, है ना, तब तक डेडलॉक नहीं लगेगा। तो अगर T1 T2 के लिए, T2 T3 के लिए वेट कर रहा है, तो T3 को दोबारा T0 या T1 या T2 के लिए साइकिल में वेट करना होगा। अब ऐसा ना हो उसके लिए क्या करें, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, मान लीजिए हमारे पास 3 डेटा आइटम्स हैं, या मैं लेट मी से 4 डेटा आइटम्स हैं, D1 D2 D3 D4, और लेट मी से 2 ट्रांजेक्शन है T1 और T2, है ना। अब देखिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो भी, या और सिंपल केस मानता हूँ, दोबारा सेम केस बनाते हैं A और B डेटा एलिमेंट्स के साथ, आपको उससे बात और अच्छे समझ आएगी। अब देखिए मान लीजिए इसका नंबर हम बना देते हैं 1 और दोस्तों इसका नंबर बना देते हैं। तो रूल क्या है, जिस भी ट्रांजेक्शन को डेटा आइटम्स चाहिए वो सिर्फ इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट कर सकता है। अब T1 को क्या चाहिए, A और B दोनों चाहिए, यानी कि 1 और 2 दोनों चाहिए। T2 को भी क्या चाहिए, 1 और 2 दोनों चाहिए। हमने समझा रखा है ऐसा नहीं कि पहले आप 1 लेंगे उसके बाद 2 लेंगे या 2 लेंगे 1 लेंगे, हर किसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में मांगना है, रिक्वायर करना है, आस्क करना है। तो यानी कि पहले A को रिक्वायर करना है उसके बाद B को। होगा क्या, T1 और T2 दोनों दोस्तों ट्राई करेंगे A को पहले होल्ड करने की। ऑफ कोर्स दोनों को तो मिल नहीं सकता, किसी एक को ही मिलेगा, बट जिसको नहीं मिलेगा वो जाके B को होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि रूल कहता है जब तक A नहीं मिले तब तक B के पास नहीं जाना। तो हो ये रहा था, आप कोई रिसोर्स रख रहे थे, मैं कोई रिसोर्स रख रहा था, और बाद में क्लैश हो रहा था। बट यहां पर क्लैश सोचेंगे हेड टू हेड होगा, जिससे साइक्लिक वेट मिलने की सारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएंगी। बिकॉज A के बाद B, B के बाद C पे अगर आप जाने वाले फॉर एग्जांपल, तो फिर दोबारा ऊपर नहीं जा सकते। सब अगर एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो साइक्लिक वेट नहीं होगा। कुछ इसी आइडिया को दोस्तों यहां लिखने की कोशिश की है, टू इंश्योर नो साइक्लिक वेट, इंपोज एन ऑर्डरिंग ऑन ऑल डेटा आइटम्स, जितने भी डेटा आइटम्स हैं हमें एक ऑर्डरिंग लगा देते हैं, एंड रिक्वायर दैट ट्रांजैक्शन लॉक डेटा आइटम्स ओनली इन द सीक्वेंस कंसिस्टिंग विद ऑर्डरिंग। उसी सीक्वेंस में आप लॉक करेंगे जिस ऑर्डरिंग में हमने डेटा आइटम्स को अरेंज किया है। अगर ध्यान से सोचेंगे तो ट्री प्रोटोकॉल में दोस्तों हमने डेटा आइटम की एक पार्शियल ऑर्डरिंग की थी, मोर
बॉर्डरलेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो भी एक तरह का ऑर्डरिंग ही था, और जब हमने ऐसा किया था तो वहाँ पे साइक्लिक वेट नहीं था, इसी वजह से जो ट्री प्रोटोकॉल थे वो भी दोस्तों डेडलॉक से बच गए थे। तो देखिए दो फंडामेंटल अप्रोच की मैंने बात की, पहला जो होल्ड एंड वेट को हटा देता है, जैसे इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने पढ़ा है कंजर्वेटिव 2PL, या दूसरा जो साइक्लिक वेट को हटाता है जिसका ऑलरेडी हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया दोस्तों ट्री प्रोटोकॉल में। बट ऐसा करने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, तो देखिए एक पॉइंट यहाँ देखिएगा। पहला, इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट व्हाट डेटा आइटम्स आर रिक्वायर्ड, और बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है। क्या किसी भी ट्रांजैक्शन को स्टार्टिंग में पता होगा कि ओवरऑल टोटल कितने डेटा आइटम्स हमको चाहिए? नहीं। अगर नहीं पता तो ऑर्डरिंग करना या फिर किस तरीके से एक्सेस करना है या किस किस को लॉक करना है दोस्तों, ऐसा करना मुश्किल हो जाएगा। अगला पॉइंट, डेटा आइटम यूटिलाइजेशन विल बी लो, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल पहले वाले केस में आप कह रहे हैं सबको लॉक करके आप बैठ जाओ, आप सबको स्टार्टिंग में ही लॉक करोगे, हो सकता है किसी डेटा आइटम का रिक्वायरमेंट बिल्कुल लास्ट में हो बट उसको भी इनिशियल स्टेजेस में लॉक करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कॉन्करेंसी यहां कम होगी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन पुअर होगा, वेटिंग टाइम बढ़ेगा, तो सिस्टम के लिए कुछ खास एफिशिएंट अच्छा ये नहीं है। लास्ट देखेंगे, ऑर्डरिंग ऑफ डेटा आइटम मे बी डिफिकल्ट और टाइम टेकिंग टू फॉलो, बिल्कुल पॉइंट सही बात है, डिफिकल्ट हो सकता है ऑर्डरिंग करना पॉसिबल ना हो। दूसरा, अगर आप ऑर्डरिंग करते भी हैं तो पहले सोचना टोटल कितने डेटा आइटम चाहिए, फिर इस ऑर्डर में रिक्वायर करना है, तो टोटल दोस्तों थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच हो सकता है। बट हर एक तरीके से मान लीजिए प्रोटोकॉल के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज है, तो डिस्कस करना जरूरी है। अब अगला पॉइंट समझिए, कुछ और आइडियाज दोस्तों यहां पर हैं जिस पर डिस्कशन एक छोटा सा किया जा सकता है। एक अप्रोच और यूज की जाती है डेटाबेस में डेडलॉक हैंडलिंग के लिए, जिसको बोलते हैं वेट एंड डाई अप्रोच। आइडिया क्या है, मैं बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे ही एक नॉन प्रिमिटिव अप्रोच है, पहले आइडिया पर डायरेक्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिए, कोई डेटा आइटम क्यू है ना, और क्यू डेटा आइटम फिलहाल ट्रांजैक्शन टीजे के पास है, यानी कि ट्रांजैक्शन टीजे ने डेटा आइटम क्यू पे दोस्तों एक लॉक एक्वायर किया हुआ है, और ट्रांजैक्शन टीआई रिक्वेस्ट कर रहा है कि अब क्यू पे उसको लॉक चाहिए, और जाहिर सी बात है ये दोनों जो लॉक हैं आपस में कंपैटिबल नहीं है, तो जब तक टीजे के पास लॉक है तब तक टीआई को लॉक नहीं मिल सकता। अब नॉन प्रिमिटिव यानी कि हम फोर्सफुली प्रिम तो नहीं कर सकते, तो वेट एंड डाई पॉलिसी बोलते इस केस में क्या करना चाहिए दोस्तों, यहां पर हम टाइम स्टैम्प्स यूज करते हैं। टाइम स्टैम्प का बेसिक आईडिया हमने टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल में यूज किया है, बट ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, कैसे भी बताता हूं। यहां पर देखिए कंडीशन चेक करेंगे, इफ टाइम स्टैम्प ऑफ टीआई इज लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ टीजे। अब देखिए अगर टाइम स्टैम्प कम है, हम जानते हैं टाइम स्टैम्प क्या होता है, जब कोई ट्रांजैक्शन सिस्टम में एंटर करता है वो एंट्री टाइम, तो अगर टाइम स्टैम्प कम है तो यानी कि ये ओल्डर ट्रांजैक्शन है, सीनियर ट्रांजैक्शन है, इसलिए इसका टाइम स्टैम्प कम है ना, इसका टाइम स्टैम्प ज्यादा है, बड़ा ट्रांजैक्शन है। इस केस में देखिए क्या लिखा है, टीआई मस्ट वेट एस टीआई इज ओल्डर। कॉमन सेंस बात है, कुछ लॉजिक ये निकला, टीजे एक ट्रांजैक्शन जो बाद में आया था उसने डेटा आइटम क्यू को एक नॉन कंपैटिबल मोड में लॉक कर लिया है, अब टीआई चाह रहा है उसको एक्सेस करे, तो देखिए यहां रोल बैक वगैरह हम नहीं कर रहे, हम बोल रहे कोई बात नहीं टीआई को यहां पर वेट करना चाहिए बिकॉज वो ओल्डर ट्रांजैक्शन है, शायद उसके बाद आने वाले किसी ट्रांजैक्शन ने लॉक लगा लिया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज यहां पर हम डेडलॉक को डील कर रहे हैं। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, टीआई दोस्तों यंगर ट्रांजैक्शन, अगर टीआई का टाइम स्टैम्प ज्यादा है और फिर वो ऐसा करने की एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब टीजे सीनियर है और टीजे के पास दोस्तों क्यू है, ऐसा होना भी चाहिए था, टीआई उसके बाद में और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको यहां पर लॉक लगाने दे जो कि फिलहाल अलाउड नहीं है, तो इस केस में टीआई को दोस्तों रोल बैक करना चाहिए, इन शॉर्ट बोल दो टीआई विल डाई, तो यहां पर टीआई रोल बैक करेगा। रोल बैक क्यों करा रहा है, जाहिर सी बात है बहुत सारे ट्रांजैक्शन होंगे जो कंपीट कर रहे होंगे, सिस्टम की रिसोर्स को यूज करने की कोशिश करेंगे या बोल सकता हूं वेस्ट करेंगे, तो बेहतर है फिलहाल उसे रोल बैक करा दे। बट अब चेंज ये है, जब इस सिस्टम में ट्रांजैक्शन रोल बैक करते हैं तो दोस्तों उनका टाइम स्टैम्प चेंज नहीं होता, तो रोल बैक करने के बाद अगर वो दोबारा भी स्टार्ट करेगा तो उसकी जो पहली टाइम स्टैम्प थी दोस्तों उसी टाइम स्टैम्प के साथ वो दोबारा काम करना स्टार्ट करेगा, बिकॉज आप सोचो अगर हर बार नई टाइम स्टैम्प लेके आएगा तो उसका कभी नंबर आने ही नहीं वाला, बिकॉज मोर ऑर लेस इस ट्रांजैक्शन में उसका नंबर आता है दोस्तों जो ओल्डर ट्रांजैक्शन है, जो ओल्डर है जो सीनियर है उसको वेट करने का अधिकार है, लेकिन जो जूनियर है उसको वेट करने का अधिकार नहीं है, डाई करता है। बट ऑफ कोर्स बिकॉज आप वेट नहीं करा रहे, या तो आप अलाउ कर रहे हो या तो आप रोल बैक करा रहे हो, है ना, तो इसका मतलब कभी ना कभी तो वेट पूरा होने वाला है, इस पॉलिसी को आप यूज करेंगे तो आप सिस्टम में डेडलॉक नहीं लगेगा। एक और अप्रोच हो सकता है जो प्रिमटिव अप्रोच है, प्रिमटिव मतलब यहां पर मोरलेस हम किसी ट्रांजेक्शन से फोर्सफुली रिसोर्स प्रिम्ट कर सकते हैं, किस कंडीशन में देखिए। देखिएगा
यहाँ पर इसको बोलते हैं वाउंड एंड वेट। तो आइडिया देखते हैं, सिनेरियो सेम है, एक डेटा आइटम दोस्तों हमारे पास है क्यू जो फिलहाल ट्रांजेक्शन टी जे के पास है और ट्रांजेक्शन टी आई लॉक करना चाहता है क्यू को ऑफकोर्स एक नॉन कंपेटेबल मोड में। तो अब देखिएगा एक एक केस करके। नाउ इफ टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई इज ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प ऑफ टी जे देन टी आई कैन वेट एज टी आई इज यंगर। अब यहाँ पर अगर टी आई का टाइम स्टैम्प ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टी आई यंगर है यानी कि वो बाद में आया था, तो यहाँ पर देखिए हम उसको रोल बैक नहीं करा रहे, हम कहते हैं फिलहाल वो यंगर है तो वो वेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई जो है वो कम है टी जे से, इसका मतलब टी आई कहीं ना कहीं सीनियर है, उसका टाइम स्टैम्प कम है, वो पहले आया था लेकिन टी जे ने क्यू को होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पर हम फोर्सफुली दोस्तों टी जे से रिसोर्स को प्रिंट करके उस लॉक को एक तरीके से रिलीज करा के वो लॉक हम यहाँ पर दिला देने वाले हैं टी आई को। तो हियर यू कैन सी कि अगर टाइम स्टैम्प की वैल्यू जो है कम है इसका मतलब यहाँ पर टी आई को जो है वो रोल बैक करना पड़ेगा। ये एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर टी आई ने वाउंड कर दिया, चोट पहुँचा दी दोस्तों किसको, टी जे को। खैर ये दो आइडिया थे वेट एंड डाई, वाउंड वेट। बट पॉइंट समझिएगा, एक आर्ग्यूमेंट ये है कि दोनों ही ट्रांजेक्शन या अप्रोचेस जो हैं ये काफ़ी रोल बैक्स इनिशिएट कराती हैं। अच्छा जितने ज़्यादा रोल बैक होते हैं दोस्तों उतना ज़्यादा एक तरीके से इनएफिशिएंसी आती है, जो वर्क आपने किया था वो अंडन हो जाता है और काफ़ी नुकसान सिस्टम को होता है। तो एक और आइडिया यहाँ पर लास्ट में बचता है वो है लॉक टाइम आउट्स। अब दोस्तों लॉक टाइम आउट क्या है, जैसे नाम से भी समझ आता है, यहाँ पर अगर कोई ट्रांजेक्शन दोस्तों वेट करता है, फॉर एग्जांपल यही सिनेरियो लेते हैं कि टीजे जो है उसके पास क्यू है, टीआई जो है वो लाइक रिक्वेस्ट कर रहा है डेटा आइटम क्यू के लिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक टाइम अमाउंट सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट मी से 5 मिनट्स, फॉर एग्जांपल अगर 5 मिनट्स के अंदर दोस्तों टीआई को लॉक मिल जाता है जो रिक्वेस्ट कर रहा है डेटा आइटम क्यू पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर 5 मिनट्स से ऊपर होता है तो हम बोलते हैं इट इज़ अ लॉक टाइम आउट और यहाँ पर ट्रांजेक्शन टी आई को रोल बैक करना पड़ेगा। तो यानी कि जो आप वेट कर रहे हैं जैसे बोलते हैं होल्ड एंड वेट, तो जो वेट है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं हो सकता, अगर विद इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम आपका वेट पूरा नहीं होता तो यहाँ पर आपको रोल बैक करना पड़ेगा। इसका दोस्तों एडवांटेज क्या है, लॉजिकली इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा ईजी है बिकॉज टाइम स्टैम्प से इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑफकोर्स यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर कोई ट्रांजेक्शन बार बार रोल बैक होता है तो दोस्तों वो स्टार्वेशन में जा सकता है, या अगर ट्रांजेक्शन काफी काम कर चुका था तो वर्क लॉस यहां पर काफी हो सकता है, तो अलग अलग पॉइंट्स हो सकते हैं। बट ये जितने भी अप्रोचेस हैं दोस्तों ये सब आते हैं प्रिवेंशन में। प्रिवेंशन मतलब दोबारा याद रखिएगा यहां पर डेडलॉक नहीं लगा, हम एक ऐसा सिनेरियो बना रहे हैं कि डेडलॉक कभी नहीं लगेगा, चाहे वो कंजर्वेटिव 2PL हो, ट्री बेस्ड अप्रोच हो, या फिर वेट डाई हो, वाउंड वेट हो, या फिर लॉक टाइम आउट आइडियाज हो। बट अगेन एक और पॉइंट, इवन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, चाहे गेट है चाहे नेट है, दीज टॉपिक्स आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज डेडलॉक की अगर सही बात करूँ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जिस तरीके से हम पूरे आइडिया को पढ़ते हैं, बैंकर्स अप्रोच या जो भी कुछ वहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं, उसका लॉजिकल इंपॉर्टेंस मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है। खैर इस वीडियो का डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में बात करूँगा दोस्तों डिटेक्शन एंड रिकवरी की, कि अगर दूसरा आइडिया हो, यानी कि हम कहते हैं पहले हैंडल नहीं कर रहे भाई, पहले डेडलॉक लग जाने तो उसके बाद देखते हैं उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे, तो उस पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो मुझे दीजिए थोड़ा समय, बहुत जल्दी हाजिर होता अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।